हमारा था सपोर्ट तो आप सब बनाते थे, चलता था वीडियो, लेकिन अभी मैं भी यूट्यूब से ऐसा भी कुछ भी नहीं कमाई हूँ। मेरा मोनोटाइप हो गया था चैनल, उसके बाद में तो पकड़ाए दियो। बैठो बैठो, देखा चैनल सब आओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आपको अच्छा लगेगा। नमस्ते कर लो सब। नमस्ते। तो आज हमारे घर मेहमान आए हैं और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, अभी आप सबको मिलवाऊंगी। तो चलते हैं चाय। तो अभी तो काली चाय है, यहाँ पर दूध मिला दिए हैं। इधर हमारा चावल पक रहा है। तो सब्जी के लिए हम मटर पीस के रख लिए हैं, मसाला भी पीस दिए हैं। तो यहाँ पर आलू काट ली हूँ, यहाँ पर जीरा और लहसुन पीस के रखी हूँ। ये मटर है, तो मटर आलू का सब्जी बनेगा। तो यहाँ पर चावल हमारा पक रहा है, चाय पक रहा है और गुंजन दौड़ भाग कर रही है। तो यहाँ चाय में उबाल आ गया है, करछुल डाल दी हूँ ताकि चाय जल्दी से बहे ना, फिर भी बह जाएगा। तो यहाँ पर गिलास में चाय छान रही हूँ, निकाल रही हूँ। तो यहाँ बाबू आया हुआ है, हमारी छोटी बहन आई है, तो शाम को ही आई है। बाबू, सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज मैं अपने दीदी के घर पर आई हूँ। तो यहाँ चाय नाश्ता दे दी, सब लोग पी रहे हैं। आप सब आके पी लीजिए, हम लोग चाय पी रहे हैं। यहाँ पर हमारा श्रीयांश भी बैठे हुए हैं। तो चलते हैं, खाना बनाते हैं। तो खाना बन गया, सब लोग खा लिए हैं। और केला आपको दिखाई थी, पकाने के लिए रखी थी, तो केला पक गया, कल ही तैयार था लेकिन मैं ही नहीं जान पाई। तो यहाँ पर निकाल के रख रहे हैं। बाबू अभी हाथ में मत लगाना, अभी केला धोना है। इधर हो जाओ, दिखाते हैं। तो यहाँ पर केला निकाल के रख रहे हैं। तो केला हमारा बहुत अच्छे से पका हुआ है, यानी हरी छाल वाला था लेकिन पीला हो गया, इतना पका। तो यहाँ निकाल के कढ़ाई में रख रहे हैं। तो ये केला बहुत पका है, एक तोड़ के आप सबको दिखाती हूँ। अब बाबू इधर उधर घूम रहा है, पहले धो कर देती हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ, खाओ नदी के आओ। ये तो छोटा ही छोटा है लेकिन देखिए बहुत, लेकिन मीठा बहुत है। तो यहाँ बाबू को दे दी, दिखाओ। चलते हैं धो लेते हैं केले को। हाँ, तो जिनको जिनको भैया दीदी को खाना है केला, आ जाओ मेरे घर। देखिए पूरा इतना कढ़ाई भर के केला है। तो यहाँ पर रख देते हैं और चलते हैं केला को धुलते हैं साफ से। तो दोस्तों, जो केला आप सबको कढ़ाई में दिखाई, इससे ज्यादा केला पड़ा हुआ था। सब लोग अंजलि गुंजन सब निकाल के उद्घाटन पहले से हो गया। तो हम सब चलते हैं, खाते हैं। और आज खा लीजिए, तो आज संडे का दिन सबका अच्छा हो गया। और मैं खाना बना के खा के और झाड़ू पोछा करके आज सो गई थी थोड़ा। आज ये वीडियो क्लिप शूट कर रही है 2 बजे के बीच में। तो दोस्तों, सब लोग खाए, सबको दिए और बहुत मीठा था। बच्चे सब खा के उब गए, तो सब बच्चे खा के उब गए, इतना मीठा था। तो यहाँ पर हमारी बहन बैठी हुई है। तो दोस्तों, थोड़ा आप सबसे बात करना चाहती हूँ। और ये चैनल बनाई थी हम, बोले थे आज 1 साल पहले, 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल हो गया दोस्तों बंद कर रहे हैं। तो इनका तबीयत खराब हो गया था, आप सबको बताई थी, दिखाई भी थी, बताने का दूर का बात है। तो थोड़ा दिमागी संतुलन खराब हो गया था, जिसे आप पागल भी कह सकते हो। तो अब दवा इलाज हुआ इनका, अच्छे से ढंग से ठीक हो गई हैं। और अब सोच रही हैं कि हम घर पे रहेंगे, थोड़ा काम करेंगे। और सबको एक आशा होता है, भरोसा सबकी जिंदगी लाइफ में,
परेशानी दिक्कत तो रहता ही दोस्तों, और खासकर गांव का एरिया होता है तो गांव में बहुत कम लोग का लाइफ बहुत अच्छे से होता है। तो वीडियो के माध्यम से अपनी ये अपना घर का और सब लोकेशन दिखाती हैं, आप परिस्थिति देखकर समझ सकते हैं। और इनके पास भी नल नहीं था और बाकी आप सब लगवाए थे दोस्तों। हाँ तो आप सब के माध्यम से हमारा नल भी गल गया था, तो मैं वीडियो तो कुछ बनाई तबीयत के बाद में, तो सब लोग बोलने लगे, हमारे रिश्तेदार मेरे घर वाले सब लोग बोलने लगे कि अभी वीडियो मत बनाओ, तबीयत नहीं ठीक है। तो मैं सोची अब वीडियो कुछ ना कुछ थोड़ा ही बनाऊँ, मैं बनाऊँगी ज़रूर वीडियो। आप सब हमारा साथ सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, जैसे मैं वीडियो बनाई हूँ उसी तरह हमारा साथ सपोर्ट तो आप सब बनाते थे। चलता था वीडियो, लेकिन अभी मैं भी बाद में दो चार दिन हुआ तो मेरा तबीयत खराब हो गया बस, नहीं तो मैं आप सब दोस्तों हमारा सपोर्ट ज़रूर करना, आप सब के सहारे मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं पहले वीडियो बनाती थी इसलिए मैं वीडियो सोची कि तबीयत मेरा ठीक हो गया है तो वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। तो आप सब ज़रूर हमारा साथ सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों इनके बारे में बताई, आप सब ध्यान देना थोड़ा, इनका भी लाइफ आप सबके वजह से अच्छा हो जाए, अच्छी बात है। इनके हस्बैंड भी यार 3 महीने से बीमार हैं, घर पे बेचारे पड़े हैं, एक पैसा का काम नहीं हो रहा है दोस्तों। और इधर उधर से दोस्तों हमारा इतना भी दिक्कत था, इतना परेशानी था, आप सबसे कभी मैं शेयर नहीं की थी कि मुझे इतना दिक्कत है, मेरा इतना तबीयत खराब है। दोस्तों इनका वीडियो जाएगा, आप डेली मेहनत करेंगी, आप सब सपोर्ट करना। और इनके चैनल का नाम है रीता व्लॉग, लोगो हम अपने वीडियो के थंबनेल में लगा दूंगी, वीडियो के थंबनेल में लगा दूंगी और वीडियो में भी लगा दूंगी, आप सब पहचान लेना। और ऐसे तो आप कई भाई बहन जानते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं और गांव से हम सब हैं, तो गांव वालों को आप सब आगे बढ़ाइए, वैसे हमें बढ़ाए हैं जिस तरह, आप सब सपोर्ट करना प्लीज़, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। तो दोस्तों इनका भी बड़ा बेटा इतना बड़ा है, अभी रो रहा है, बुला रहे थे नहीं आ रहा वीडियो में। दोस्तों हमारा बेटा 6 साल का, 1-2 साल का हो गया है। तो वीडियो में तो अंश बनाएंगे वीडियो और शूट करेंगे जिस तरह चंदन बनाते थे, चंदन भी इतना बड़े थे तभी से बनाने लगे, और आप सब इतना सहयोग किए, सब भी भाई बहन को तहे दिल से धन्यवाद। तो इसी तरह इनका भी साथ सपोर्ट करना। तो दोस्तों आज का वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाबू का अंगुली दब गया तो वीडियो फिर दबेगा, दूसरे का दबाएगा, देखे अंजलि। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बड़े दिनों के बाद में हम दोनों बहने एक साथ रहे, एक रात बीता, और इनके घर पे जाती हूँ तो मैं रुकती ही नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहता है, बच्चों को छोड़ के आती हूँ। सबसे अच्छी बात है इनके 2 बाबू हैं तो अपना बैठा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, छोटे छोटे हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।